मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ कुछ दिन पहले सागर में थे। मौका था संत रविदास जयंती का, जिसमें शिरकत करने सीएम खास तौर से वहां गए थे। वहां बातों ही बातों में नागरिकता संशोधन कानून पर भी सरकार को घेरा और पीएम नरेंद्र मोदी को एक नसीहत भी दे डाली। मोदी जी, नौजवानों को जवाब दीजिए। आज ये जो नौजवान आज भटक रहा है, आप इस किसान जो आसमान की तरफ देख रहा है, इनको जवाब दीजिए। मोदी जी आज ध्यान मोड़ने की, कभी राष्ट्रवाद की बात करेंगे। मोदी जी कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, पर नौजवानों की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। ये कलाकारी आज देश पहचान रहा है। मुंह चलाने में और देश चलाने में बहुत अंतर होता है। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, कि आपने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए, हमारे 15 महीने भी नहीं हुए हैं। आप हमें बल और शक्ति दीजिए। आप हमें बल और शक्ति देंगे, हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। सीएम कमलनाथ ने पीएम मोदी को मुंह चलाने और देश चलाने में फर्क क्या समझाया, बीजेपी को मिर्ची लग गई। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीएम के इस बयान पर आपत्ति जताई। मिश्रा ने कहा कि पीएम को नसीहत देने की जगह बीजेपी खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि उसके कितने वादे अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। ताजा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslifemp.com।